कि जो ये इनकम टैक्स और ईडी जो है, जो इनके बाप का दामाद है, उसकी भी खबर आप लोग आज लगाएं और बताएं कि हम इनसे पहली बात तो डरते नहीं हैं। इनकम टैक्स का हमारे सारे कागज तैयार हैं और बहुत जल्दी हम डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स मैं मीडिया में भी दूंगा ताकि ये लोग मुकर ना सके कि हमें कागज मिले कि नहीं मिले। 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव है और जो भी इनके जो भी सही बात करता है उसको ये लोग जो है परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमने कफन बांध रखा है सर पर, हम किसी के बाप से नहीं डरते। पहले तो हम आपको बता दें, ये अपने दलालों से, अपने तोतों से, ईडी आईडी जो भी ये होती हैं, इनसे उनको डरा सकते हैं जो चोर हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। आप लोग अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे, आपको इस कदर टॉर्चर किया जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। अंग्रेजों ने तो कम उत्पीड़न किया था, ये लोग घर के बाहर सिपाही खड़ा कर देंगे और खून निकाल के बेचेंगे आप लोगों का। ये मर्द मूवी देखिए आप लोगों के, मर्द उसमें पहले उनसे काम कराते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका खून निकाल के बेचते हैं। तो बीजेपी की थ्योरी में और मर्द मूवी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है, अगर सबसे ज़्यादा सत्यानाश किसी का हुआ है बीजेपी के आने से तो हिंदुओं का हुआ है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, 80% आबादी हिंदुओं की है देश में, बड़े कारोबार करे बड़े कारोबार भी हिंदुओं के हैं, तो नुकसान किसके हुए? हिंदुओं के। आज भी मुसलमान भाई टाइम से अपनी दो टाइम बिरयानी खाते हैं, मैंने तो लॉकडाउन में भी उन्हें दो टाइम बिरयानी खाते हुए देखा। कहा एक बहुत बड़े गुंडे रहे हैं एक टाइम पे, मैंने ये सुना अमित शाह के बारे में, मैंने ये सुना कि बड़े गुंडे थे गुजरात में, उनको पता नहीं भगा दिया था वहां से, तड़ी पार क्या बोलते क्या बोलते तड़ी पार कर दिया था उनको। आज वो आदमी इतने बड़े पद पे है किसकी वजह से? इस देश के लोकतंत्र की वजह से। आज अमित शाह साहब का मुझे एक बयान याद आता है, वो कहते हैं हम अगले 50 साल रहेंगे, देश को गुलाम बना के तो 100 साल भी राज किया जा सकता है, और आज उसी नीति पे ये लोग